हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फाउंडेशन के बारे में, जो कि होगा मैबलिन का फिट मी पोरलेस मैटी फाउंडेशन। तो देखें, ये जो फाउंडेशन है इसमें मेरे पास दो शेड अवेलेबल हैं, एक है 128 वॉर्म न्यूट एंड दूसरा है मेरे पास 228 सॉफ्ट टैन। ठीक है, तो ये जो दो शेड हैं मेरे पास में, तो अगर आपको जाना है इन दोनों शेडों के बारे में कि मतलब आप कंफ्यूज हैं कि हम इन दो शेडों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड फुल वॉच कीजिए वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि आपके फेस पर या आपकी स्किन पर कौन सा शेड जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं इन फाउंडेशन के बारे में। तो देखें, पहला जो फाउंडेशन है वो है मेरे पास में मैबलिन फिटमी का 128 वॉर्म न्यूट शेड है ये इसका, एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो 3 इयर्स की होगी, एंड इसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है 549 रुपीज़। 30 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, एंड ये जो प्रोडक्ट पे सभी मेंशन किया हुआ है, फुल डिटेल यहाँ मेंशन है, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह या इसकी एक्सपायरी डेट या प्रोडक्ट क्वांटिटी सभी यहाँ मेंशन की हुई है। ठीक है, एंड दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो देखें, दूसरा है भी मैबलिन का फिट मी मैटी पोरलेस फाउंडेशन है, एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, एंड इसमें जो शेड है वो है 228 सॉफ्ट टैन। तो ये दोनों ही शेड मैंने अपने लिए परचेस किए थे। पहले मैंने परचेस किया था सॉफ्ट टैन, 228 सॉफ्ट टैन, बट ये मेरी स्किन पे थोड़ा सा डार्क था, मतलब ये ऑक्सीडाइज होता है और बहुत ही ऑक्सीडाइज होता है, तो मेरी स्किन पे ये काफ़ी डार्क था, तो इसी के साथ मैंने दूसरा परचेस किया, फिर दोबारा से ऑर्डर किया। तो दूसरा जो मैंने फाउंडेशन परचेस किया वो करा मैंने 128 वॉर्म न्यूट। तो मेरी जो अंडरटोन है वो वॉर्म है एंड मीडियम स्किन टोन है मेरी, मैं फेयर नहीं कहूँगी अपनी कि मेरी फेयर है, नहीं, मीडियम स्किन टोन है मेरी। तो इसमें जो ये वॉर्म सॉफ्ट टैन शेड था, तो मुझे लगा शायद ही मेरी स्किन पे अच्छे से मैच करेगा, बट ये ऑक्सीडाइज होने के बाद स्किन को डार्क कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों ही शेड को नेचुरल लाइट में, कि इन दोनों शेड में क्या डिफरेंस है, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो इन शेड के अंदर वो आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये है मैबलिन की फिट मी मैटी पोरलेस फाउंडेशन, और ये दोनों ही शेड आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 220 सॉफ्ट टैन के अकॉर्डिंग 128 थोड़ा लाइट है, ये दिख ही रहा है आपको। और ये जो बॉटल, ये जो फाउंडेशन है पम्प के साथ में आती है, जो कि सबसे अच्छी इसकी बात है। पम्प से काफ़ी इजी रहता है प्रोडक्ट का यूज़ करना, एंड प्रोडक्ट को जब भी हम यूज़ करते हैं काफ़ी इजी रहता है। और उसकी जो डिटेल है यहाँ बैक साइड पे मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट की फुल डिटेल, कि इसकी प्राइस, पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट सभी यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 128 सॉफ्ट टैन। तो दोस्तों, ये जो शेड है मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ, कोई रूम लाइट नहीं, कोई रिंग लाइट नहीं, ओनली विंडो पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ नेचुरल लाइट में, तो आपको एक्चुअल जो शेड है वही दिखाई देगा। तो ये देखें, बिल्कुल येलो अंडरटोन में है, 128 वॉर्म न्यूड। ठीक है, एंड दूसरे शेड की बात करें तो वो है 228 सॉफ्ट टैन। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करें तो बॉटल को अच्छे से शेक कर लें और उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें, ताकि ये अच्छे से जो फॉर्मूला होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये है इसका 228 सॉफ्ट टैन, और दोनों में देखें डिफरेंस आप, तो ये जो सॉफ्ट टैन है ये थोड़ा सा 128 के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क है, तो ये मीडियम से डीप एंड स्किन टोन जो होती है उसको अच्छे से जाएगा, और वॉर्म न्यूट मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे से जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि ये 5 से 10 मिनट में कितना ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10 मिनट हो गए हैं मुझको उसको लगाए हुए। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 128 वॉर्म न्यूट, तो 10 मिनट के अंदर ये कितना ऑक्सीडाइज हुआ है आप देख लें, उसी के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपका कौन सा शेड ज़्यादा रहेगा। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको छोड़ते हैं तो ये और ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसके बाद ये ज़्यादा मतलब ऐसे ही रहता है, ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये थोड़ा बहुत ही ऑक्सीडाइज होता है। ये 10 मिनट के अंदर इतना ऑक्सीडाइज हुआ है। तो चलिए अब सेकेंड शेड की बात करें तो वो है 228 सॉफ्ट टैन की, तो ये देखें आप, ये जो सॉफ्ट टैन है कितना ऑक्सीडाइज हुआ है और बिल्कुल स्किन से और डार्क हो गया है। तो इसी वजह से मैंने वॉर्म न्यूट शेड परचेस किया था, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो स्किन में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों शेड हैं इसके, आप देखें
के दोनों में क्या डिफरेंस है। और हाँ, ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है और लाइट वेट इसका फॉर्मूला है। ऑल स्किन टाइप, ये वैसे तो इसमें ऑयली स्किन दिया है बट ये जो फाउंडेशन है। तो दोस्तों देखा आपने कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो वॉर्म न्यूड है ये सॉफ्ट टैन से थोड़ा लाइट शेड है। तो अगर वॉर्म न्यूड सॉरी सॉफ्ट टैन आपके लिए डार्क है तो आप ये वॉर्म न्यूड पर जा सकते हैं। अगर वॉर्म न्यूड भी आपको थोड़ा डार्क लगता है तो वॉर्म अंडरटोन में इससे जो ऊपर शेड आता है वो 120 क्लासिक आइवरी आता है, आप उस शेड को भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस टाइम जो मेरी स्किन पर सूट किया है ये वॉर्म न्यूड शेड है। ये थोड़ा ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के साथ ये मेरी स्किन पर अच्छे से मैच कर जाता है। और स्टे पावर की बात करें तो देखो 4 से 5 घंटे ये आराम से स्टे करता है, ये फुल डे स्टे बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये जो समर सीज़न है इसमें तो आप मतलब यकीन ही नहीं करें कि आप ये फुल डे स्टे करेगा, नहीं ये फुल डे स्टे नहीं करता है, ये 4 से 5 घंटे आराम से स्टे करता है। उसके बाद ये और डार्क होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है और फेस थोड़ा डल दिखने लगता है। और देखें अगर आप विंटर सीज़न में यूज़ कर रहे हैं तो विंटर सीज़न में तो आप इस फाउंडेशन को आराम से यूज़ करें, फुल डे आपको स्टे करेगा क्योंकि विंटर सीज़न में हमें पसीना नहीं आता है और समर सीज़न में बहुत पसीना आता है। तो उसी के साथ ये बहुत स्टे नहीं करता है दोस्तों और स्किन भी डल करने लगता है। आपको लगता है ये मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन हमने परचेज़ कर लिया है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ऐसा भी नहीं होता है। 4 से 5 घंटे के बाद ये स्किन डार्क दिखने लगती है, आपको टचअप करना पड़ेगा अपनी स्किन के साथ। हाँ, ये बिल्कुल लाइट वेट है और मैट फिनिश देता है ये बिल्कुल। और ऑयली स्किन यहाँ मेंशन किया हुआ है पर ड्राई स्किन भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी ड्राई स्किन है, मैं आराम से इसको यूज़ करती हूँ स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद। ये बिल्कुल भी ड्राई पेचेस नहीं देता है, लाइट वेट इसका फॉर्मूला है। तो आप देख लें आपकी स्किन पे कौन सा ज़्यादा मैच करता है इन दोनों शेडों में, और मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है कि दोनों शेडों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।